नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और आज का जो हमारा सेशन है वो आर्ट एजुकेशन पर है। टॉपिक है आर्ट वर्क विद नेचुरल कलर्स एट होम। आप सभी घर पर हैं और हो सकता है आप सबके पास जो कलर्स बाहर अवेलेबल होते हैं वो सब ना हो पेंटिंग के लिए, स्केचिंग के लिए। तो आप कैसे अपने घर में ही कलर्स बना सकते हैं नेचुरल, देयर इज नो आर्टिफिशियलिटी, नथिंग एट ऑल। तो उसी के बारे में है हमारा आज का सेशन और ये सेशन है अपर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 6 to 8। और दो इसे छोटे बच्चे और 8 लेवल से बड़े बच्चे भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं मिसेज इंद्रानी दे फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय स्कूल धर्मशाला। वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। So today we will be talking about natural colors. As you know कि अभी जैसा lockdown है तो it is not possible for everyone to go out and look out for colors. So why not make something which is available at home? हमें कभी कभी ये खुद को पता नहीं होता है कि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिससे हम colors बना सकते हैं, very easily available stuff. Stuffs like things like in the kitchen it is available yellow for the mustard for the turmeric. Turmeric से हम yellow color बना सकते हैं। अब red के लिए आपको कुछ नहीं करना है, you have to go and get a beetroot, थोड़ा सा उसे grate करिए और उससे निचोड़ के उसका juice निकाल लीजिए तो you will get red from that. Blue बनाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है जो हम कपड़ों में नील के लिए इस्तेमाल करते हैं, indigo. So we can use that blue as a blue color. And black also you can use from the burnt mastics. What you can do is you can burn them a little more and you can make black out of it. Thoda sa usko powder bana ke hum se black bana sakte hain. Aur ye process actually kuch naya nahi hai. Before you go ahead, thank you for the introduction, but main apne audience ko ek baar bata dun कि अगर ये लोग या हमें जो भी देख रहे हैं वो सभी हमारे सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 1800112199, दूसरा नंबर है 1800111265। इसके अलावा आप हमें लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, हमारा चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं और ये सेशन आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कमेंट है, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर चैट में लिख सकते हैं और आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। और अगले आधे घंटे में अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सवाल होगा तो मैम उसका जवाब भी जरूर देगी। इसके अलावा आप हमें देख रहे हैं स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 31 किशोर मंच पर। अगर आप हमें डिश टीवी पर देख रहे हैं तो चैनल है 950। टाटा स्काई पर चैनल नंबर है 756। एयरटेल 440। वीडियोकॉन पे 477। सन डायरेक्ट पे 793। एंड डीडी फ्री डिश चैनल है 128। तो बहुत सारे तरीके हैं जहां आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो आइए अब और समय नहीं व्यस्त करेंगे, हम मैम के साथ ये सेशन आगे बढ़ाते हैं। मैम, आप हमें नेचुरल कलर्स के बारे में बता रहे थे। Yeah, Tanvi ji, it was actually very nice to hear from all the sources how we can log in and watch this program, because usually the logo ko yahi lagta hai ki sirf TV mein hi dekh sakte hain, but web platform bhi hai, chat bhi ho sakta hai, questions bhi pooch sakte hain, so it's a beautiful platform how you can connect with people even at sitting at home. That's a wonderful thing. Okay, let us Absolutely. Proceed with what we were talking about, the natural colors. So ये नेचुरल कलर्स जो है ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी फैशन में आया है, बिकॉज हम आजकल जाते हैं दुकानों में देखते हैं कि ऑर्गेनिक डाइज, नेचुरल फैब्रिक्स में कपड़े हैं, ये है, तो दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। पीपल वेर एक्चुअली यूजिंग नेचुरल कलर्स बिफोर, एंड देन इट केम द केमिकल डाइज, देन लॉट ऑफ पोल्यूशन हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड देन स्लोली पीपल आर अगेन ट्राइंग टू get back to the natural mode. We are actually exploring nowadays more about natural things, ki kaise natural ho, kaise organic ho, kaise eco-friendly ho. So my process is just one small step in towards that direction.
मैम यस प्लीज प्लीज गो अहेड. Yeah, I actually want to show a small PowerPoint presentation regarding this. Okay. Yeah. तो मैम जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन सभी बच्चों के लिए दिखा रहे हैं जो कि ये गेम सॉर्ट ऑफ अ गेम आर्ट इज अ गेम. तो अगर आप घर में हैं और आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे हैं, तो आप सभी मिलकर ये आर्ट वर्क घर पे ही कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. लाइक मैम सेड टर्मरिक बीट रूट ये घर में मौजूद होते हैं, तो अगर आप यही चीजें यूज करके अपने कलर्स बना सकते हैं और आर्टिफिशियल जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं उन्हें ना यूज करें तो ये थोड़ा सा बेटर सॉल्यूशन है. और बाकी मैम के पास अभी बहुत कुछ है हमें बताने के लिए, तो आइए स्लाइड्स देखते हैं. Yeah, so the topic is natural or alternative colors. So there are a couple of points, like natural colors are those which are obviously obtained from nature and they do not have any chemical contents and they are safe for our environment, as I mentioned before. And they can be prepared very easily at home. And we can use this also for drawing and also for coloring fabric. जैसे घर में बच्चे कभी कभी बांधनी या टाई एंड डाई का काम करते हैं तो दे कैन ऑल्सो यूज दिस कलर इन प्लेस ऑफ आर्टिफिशियल डाइज. सो इट्स नॉट दैट दैट इट इज ओनली कि अभी यूज हो रहा है. जैसे मैंने पहले भी बोला था दिस हैज बीन यूज्ड इन अवर फोक पेंटिंग्स एंड ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ऑल्सो. सो लेट्स सी द कलर्स एंड दिस सोर्सेस कहाँ से कलर्स आ रहे हैं. सो पहली बात अगर हम ओवरऑल देखें तो दे आर फर्स्टली नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. सम आर प्लांट बेस्ड लाइक इंडिगो बीट रूट ब्लूबेरीज. सो दीज आर बेसिकली फ्रॉम द प्लांट्स. दीज कलर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट्स. दोज आर बेसिकली ब्लूज एंड रेड्स एंड येलोज. दीज आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स. द सेकेंड वन इज नेचुरल डाइज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स. इट इज नॉट ओनली दैट इट इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स, इट कैन ऑल्सो बी obtained from minerals. Let's say ochre, we have yellow ochre color. So we have sienna, we have cobalt blue. Like we have heard ki Egyptians used to use lapis lazuli stone for using blue color. So those are all mineral obtained colors. And there are certain natural colors which are obtained from animals, like carmine and purple. These are obtained from animals. Now, what we are going to use today, because we are not going to go into getting mineral colors and animal colors. So we will be using turmeric for yellow and we will be using beetroot for red. We will be using coffee powder for brown and we will be using a couple of mastix burn for black and we will be using a blue or a neal for a indigo color or a blue color. So I would also like to show a couple of slides where we can see in the traditional paintings and in the folk paintings how people were using natural dyes. Like you see this Madhubani painting. Nowadays people are using poster colors and acrylic paints, but the traditional process is to use the natural dyes. So this is an example of Madhubani painting and you can see how bright the colors are. And this is a Gone painting. This is Kalamkari and this Kalamkari process is still being done using the natural process because they have to put a cow dung color on the cloth so that this color becomes a bit creamish. And then it is hand painted, as you can see in the photograph that the lady is doing hand painting on this and she is using natural dyes and Pattachitra paintings. So we can go further and we can explore the possibilities of using these natural colors and how you can use them as drawing, because right now we are just talking about it. Isse use karna hai ye bhi to aana chahiye bachcho ko. So I have a video where I will show you how we are going to use the
the colors. Okay, ma'am. Yeah. Okay, I'm going to play the video. I have done it myself. I'm using the colors here and it's very easy to use. Also, in between the video, you will see that I am adding a bit of Fevicol. It is just to ensure that the color does not smudges off or it does not fades away. It becomes permanent on your paper. But if you are doing the same process on the cloth, you have to use alum or Fitkari. In that case, Fevicol will not work if you are doing it on cloth. Okay. So I'll play the video, yeah?
That was a wonderful painting, ma'am. You demonstrated it so well and with all the little details. And it's unbelievable that you used all the natural colors and there was no artificial thing involved. Exactly. I mean, it was even a wonder for me that, it's like exploring, because art is more about experiment, exploring and enjoying whatever you do. That's it all about. You have to feel that enjoyment. And I would suggest that all the students should try this out. I mean, just as an experiment to see ki kya ho sakta hai aur kya possibility hai. Like, maine yahan pe black ka use nahi kiya, but still I went ahead and I mixed two colors. I used brown and I used a little bit of blue to give it a darker shade. So once when you start the process, it automatically comes to you what you are going to do, what more can you explore in that. Exactly. And you even didn't use blue, which you showed is available at our home, the dye. But I wanted to ask that when you said you can use that blue color with that dye thing we have at home, but that has some chemical in it. So do they have any negative effect? मतलब हाथ पे लगाया तो हाथ पे कुछ रिएक्शन या ऐसा कुछ या इवन हल्दी के लिए या बीच छूट के लिए भी ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज ये एक फैब्रिक व्हाइटनर है जिसे हम हाथ से ही यूज करते हैं घर पे तो ये इतना जल्दी कुछ रिएक्ट नहीं होता हाँ अगर किसी का स्पेसिफिकली बहुत सेंसिटिव स्किन है इन दैट केस यू कैन यूज अ बिट ऑफ ग्लव्स बट वी आर यूजिंग इट विद अ ब्रश हियर वी आर नॉट टचिंग द कलर the natural extraction of blue is from those blue flowers. You have to collect those flowers and then you have to boil them and bring them to a half to extract the color. So, lockdown mein possibility nahi hai ki hum abhi blue flower todne jaye. So, yeah, even red can be beetroot ki jagah pe you can use pomegranates. Anar ke jo dane hain. उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रेड येलो में आप येलो फ्लावर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्रीन को आप यू कैन मिक्स द ब्लू एंड द येलो लाइक आई मेड द लीव्स आई मिक्स द ब्लू ऑफ द टर्मरिक एंड द ब्लू एंड आई गॉट ग्रीन और अदरवाइज यू कैन यूज स्पिनच पालक पालक को आप जरा सा उबाल के यू कैन जस्ट यू नो टेक आउट द जूस एंड यू विल गेट द ग्रीन So you can store it in a container and you can keep it for a longer use also. अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो खराब होगी नहीं. Like the beetroot one, I extracted it about two to three days back. उसको I grinded it and then I put a little bit of water and put it in a bottle and then I get the pure liquid. वरना instantly करेंगे तो उतना consistency नहीं मिलेगा color का. ओके तो मैम जब हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल ऑप्शंस है देन व्हाई डू वी यूज द अदर कलर्स बिकॉज आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड वी आर मोर ऑब्सेस्ड विद द कलर्स अवेलेबल इन द मार्केट अंडर डिफरेंट ब्रांड्स अंडर डिफरेंट वैरायटीज एंड देयर आर सो मेनी शेड्स अवेलेबल इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट डू इट इफ आई से लेट्स से आई वांट टू एक्सप्लोर ओनली विद नेचुरल कलर्स I can move ahead. I can move ahead and it's a huge arena where you can explore it. People are doing it. You can use tea stainers, tea ka extract le sakte. There are a couple of barks which you can boil and you can get. But, you know, uska ek alag process hai. Like the colors will be fader. Aap dekhiye ab organic colors ke jo kapde hote hain. Unke tones hi alag hai. उनको करने के लिए आपको लगातार उस प्रोसेस को कर करके जानना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाके वो करेक्ट रिजल्ट मिलेगा तो इट इज आई जस्ट शोड यू अ बिगिनिंग अ स्टेपिंग स्टोन एंड आई बिलीव दैट देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी यू नो रेडी टू एक्सप्लोर इट इन फ्यूचर टेक दिस एज देयर करियर और समथिंग आई एक्सपेक्ट दैट आई एम श्योर After watching this session and because the painting was actually very interesting and so is this session. So many would be inspired and motivated and I'm sure the parents who are there to help the children out, they will be supporting and motivating them as well. Yes, I also believe that.
Yeah, I also think that, you know, if the students explore more, it's not only with this natural paint, but with other things also. So I think they will not have a feel of this lockdown, because you will be more busy spending your time in worthwhile things. Other than studies also, because sometimes बच्चों को ऐसे लगता है कि अभी भी पढ़ना ही है, तो it's a breaker, it's a, you know, it's a stress buster, you can say. Absolutely. Okay, ma'am, the traditional paintings you showed us, इतनी सारी variety पहले भी इस्तेमाल होती थी, so this all comes under the art section only, right? So what else is there which are being used with natural colors, which are being made with natural colors? इसके अलावा कुछ paintings है, fabrics है, क्योंकि colors का इन दोनों में सबसे ज्यादा उपयोग है. If you look at the village houses, mud houses, people are preparing color from different kinds of mud. And they are painting their houses using those muds. Even if you say cow dung, cow dung is a good and rich source of making color. As I said, in Kalamkari, they dip the entire cloth in this cow dung water to get a tone, and it gives a base. And they also said that if you use this cow dung, it makes the color more, you know, pakka banata hai color ko. So it's a process, and traditional people actually know the process, and there are people who go to them and do a Guru Shishya Parampara, learning from them, and they learn all these things after, you know, years of trial and error. So you can understand that the possibility, arena possibility, is very big. It is not very small like how we think. Exactly. So, ma'am, is there a career in it? And like you mentioned, that people can make a career out of it. So, is there any course designed specially for this? There are a couple of courses. Like NIFT has some courses. And even textile engineers are there. But it teaches us more of the industry standard. But there are certain people who break out of that and they try to learn new things. तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में एट द मोमेंट देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिक डाइज, ऑर्गेनिक, इवन ऑर्गेनिक टेक्सटाइल इज अवेलेबल नाउअडेज, ऑर्गेनिक डाइज आर अवेलेबल, नेचुरल डाइज आर अवेलेबल. इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक सांगानेर, देर आर पीपल हु विल बी टुगेदर वर्किंग विद ऑर्गेनिक भी काम कर रहे हैं और केमिकल्स भी काम कर रहे हैं. द ओनली थिंग इज द कॉस्ट फैक्टर बिकम्स अ लिटिल बिट हायर फॉर द ऑर्गेनिक थिंग, बिकॉज द प्रोसेस इन्वॉल्व इज लॉन्गर. And the extraction, you can see, right? It's like a complete manual process. It is not a factory manufactured thing. So obviously, a handmade or handcrafted object ka bahut bada yogdan hota hai aur bahut bahut mehnat bhi lagti hai, labor bhi bahut lagta hai usme. So obviously, it's on the higher end. But then, if we look at it environmentally, so they are not harming the nature. Whatever we are taking from the nature, we are giving it back to the nature. And we're not spreading chemicals or anything. So that makes a whole lot of difference. And there is definitely a career possibility in this. Okay. Ma'am, we have one of the questions from one of the audiences. So Shashi Bala Khare is asking that how do we make white color? You mentioned white. All the other colors, but not white. Okay. Chuna milta hai bazaar mein. What we put on paan. Yeah, you can use that. Yeah. Okay, और वो तो easily available भी होता है ना? हाँ, if you go to any pan shop, they have these small bottles of tuna and you can buy from them and you can use them along with put a few drops of Fevicol in it and you will be able to use it. Like how, now we have to actually know our history, what we are leaving behind. पहले हमारे घरों में tuna पोता जाता था. तो दैट वॉज कम्प्लीट लाइन. उस चूने में एक डीडीएल सोल्यूशन मिलाया जाता था, तो डीडीएल मिलाया जाता था फिक्सिंग के लिए. तो इट इज द सेम चूना विच यू आर गोइंग टू यूज इन अ कॉन्सेप्ट. वो थोड़ा सा और थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में होता है और उसमें आप दो तीन बूंद अगर फेविकॉल डालेंगे तो वो परफेक्टली फाइन टू बी यूज ऑन पेपर. ओके,
But now, ma'am, when I think of it, what about the white cement? It's easily available as well. तो वो भी white के लिए use हो सकता है. Also that coal, वो जो burnt coal होता है, बहुत सारी तंदूर में use होता है, और वो भी black color के लिए use हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल. Nothing goes waste. Nothing goes waste. Nothing goes waste. मैंने तो बस घर में अवेलेबल अवेलेबल मैथस्टिक्स के बारे में बात करी है, जो आधी जली हुई हम फेंक देते हैं. तो आप उन सबको एक साथ बर्न करके, क्रश करके पाउडर बना लीजिए. यू डोंट हैव टू गो लुकिंग फॉर अ तंदूर अंगीठी और एनीथिंग. इट विल बी देयर अवेलेबल एट योर होम. ओह यस, That's an easy process, but black से actually matchsticks burn करके सोचना थोड़ा मुश्किल था. Now that you have informed, I'll keep that in mind. Yes, ma'am. Do you have any message, any thing you want to say to our audience, to the parents who are there with their kids watching this session? Definitely. I would like them to suggest that you should watch this channel, because something new will definitely come up. Because टेक्सटबुक्स तो एक तरीका है पढ़ने का, बट अदर मीडियम भी अवेलेबल है आज के दिन में. तो देयर इज मोर वे टू टॉक टू पीपल, गेट टू नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग एंड हाउ दे आर वर्किंग. एंड आई वुड सजेस्ट द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स बोथ एक्सप्लोर मोर. इट इज नॉट दैट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. इट इज विल ओनली हैव टू स्पेंड योर ब्रेन. यूज योर ब्रेन, कीप योर आईज ओपन, बी अलर्ट, be attentive, and have a little bit of heart toward nature, so that you will love nature and it will definitely give you something good. Absolutely. Like you said, be creative in whatever you do. Open your brains and explore as much as you can. Ma'am has given such a good advice, and there's nothing better than doing art with the natural colors when we have them at home. So, bahar se khareedne ki zarurat hi kya hai? Though it takes some effort. All right. Thank you so much, ma'am, for being here with us, for talking to our viewers and giving us such important information. Though thoda bahut pata tha aur baki aapne information add kar di hai, now it's a complete knowledge. So thank you so much. Thank you so much, Sanvi, and I hope that I have been able to give something new to the students and the audience who are watching the show. And thank you so much for calling me on this show. Absolutely. Undoubtedly, ma'am, you have given us a lot of information. Thank you so much. Thank you. Do not go anywhere else. Please continue watching our programs, because in a few minutes from now, we will bring you the subject of teaching learning of children with Spoon Go Anywhere. And I am still here, and we have a lot to offer you all, because you are at home in this lockdown situation, and it has already been extended for 2 weeks, so you have to stay there some more. But still, please stay protected, stay safe, stay in your houses only. Thank you so much. Namaste.